हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तो चलिए अपने डेली ब्लॉगिंग के रूटीन को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज मैं एक छोटा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने एब्जॉर्व किया। आप समझिए कि उस बात का तर्क क्या है, उस बात का मतलब क्या है, और ये दुनिया है वो किसके पीछे भाग रही है। एक छोटा सा मैं आपको इंसिडेंस आपको बताना चाहूंगा। एक मंदिर के पास मैंने एक आदमी को बैठे हुए देखा। वो अपंग आदमी था, उसका पैर नहीं था। मैं पर डे उस आदमी को देखता हूँ, पर डे मैं उस आदमी को देखता हूँ कि वो आदमी अपने रूटीन के हिसाब से पर डे पहाड़ी मंदिर जो रांची में अवेलेबल है वहाँ पे वो पर डे बैठता है। लेकिन उसकी लाइफ के बारे में जानने का मैंने आज कोशिश किया तो मुझे पता चला उसका रूटीन कि वो आदमी का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई कमजोर घर से बिलोंग नहीं करता है। वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। मैंने आज देखा कि स्कूटी से उसकी वाइफ आई और उसको वहां पे बैठाई पहाड़ी मंदिर के पास में, और बैठाने के बाद वो वहाँ से उसका जो भी खाना है, जो उसका पैसा लेने वाला जो आपका ये है कटोरा है वो सामने में रखी, उसके लिए जो खाना था टिफिन था उसको दी, और फिर वहाँ से वो निकल गई। मुझे ऐसा थोड़ा सा ताज्जुब लगा कि ये है कौन आखिर। वैसे इस आदमी को छोड़ के पर डे यहाँ पे जाती है। मुझे पता चला कि ये उसकी वाइफ थी। मैंने जानने का कोशिश किया कि ऐसा आखिर वो क्यों करती है, तो मुझे पता चला कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में वर्कर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और पर डे अपने हस्बैंड को वहीं पे वो उतार के सारा उसका सामान व्यवस्थित करके और फिर चल जाती है ऑफिस में, और शाम में लौटते समय फिर से अपने हस्बैंड को रिसीव करती है और फिर वहाँ से वो घर घर के लिए निकलती है। तो मैंने उससे जाने की कोशिश किया कि चलिए आप इतनी भी कमजोर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो कि आपको ये काम करना पड़े। तो उसने आज एक छोटा सा मुझे एक लेसन दिया। उसने बोला कि अगर आप इस पृथ्वी पे आए हो, अगर आप इस धरती पे आए हो, तो आपको कुछ ना कुछ काम करना जरूर आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, वो काम करना आपको आना चाहिए, वो काम अच्छा होना चाहिए। उसने बताया कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ और जो उसका इनकम होता है वो इनकम मैं पर डे अपनी वाइफ के हाथ में जाके देता हूँ, मैं आज इतना कमा के लेके आया। और उसने ये बताया कि ये पैसा हम दे रहे हैं
कहीं से भी ला के दे रहे हैं तभी मेरा वैल्यू है। जिस दिन ये काम करना हम अगर बंद कर दिए तो शायद पूरे परिवार के सामने मेरा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इससे सीख ही मिलता है कि पैसा इतना बड़ा हो गया है कि लोग कुछ भी करने को तैयार है। और उस छोटे से लेसन की वजह से मुझे आज ये चीज समझ में आया कि अगर आप अर्न करने के क्षमता में नहीं हो, कमाने के क्षमता में नहीं हो, तो आप क्या, आपका परिवार क्या, भगवान भी आपका साथ नहीं देते। इसीलिए इससे सीख हमको आज एक चीज मिला कि आदमी को कोई भी काम हो, जो भी उनको वर्क मिलता है, उनको शिद्दत से निभाना चाहिए। अगर अपने काम के प्रति अगर आप लॉयल नहीं हो तो आप कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, चाहे वो फैमिली के नज़र में हो, चाहे वो ऑफिशियल बैकग्राउंड के नज़र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। यही एक छोटा सा आज मेरे साथ में घटना हुआ, मैंने उसके लाइफ के बारे में जानने का कोशिश किया। ये सब लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। सीखने का ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर कोई आदमी नहीं होता है कि आप उसी से सीखोगे। सीखने में आपको कोई भी सिखा सकता है। आप किसी के भी लाइफ के बारे में जान के उससे आप सीख ले सकते हो। गलतियां इंसान से ही होती हैं, ये सब कोई को पता है, लेकिन इस भाग बड़े दौड़ भरी जिंदगी में गलती को सुधारने का अगर किसी से मौका मांगा जाए तो वो साफ साफ मना कर देते। तो उस कंडीशन में उस आदमी के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है। रास्ता ये रहता है कि चाहे वो खराब रास्ता हो या अच्छा रास्ता हो, किसी भी तरह अपने गलती को हमको सुधारना है। अगर आप गलती करते हो तो उसको एक्सेप्ट करने का भी क्षमता रखो कि हाँ हमसे गलती हुआ है, और वो गलती एक्सेप्ट करके ही आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आप लाइफ में कोई भी आपको एक छोटा सा सीख दे रहा है तो आप उससे सीखो, सीखने का क्षमता रखो और सीखते जाओ, क्योंकि आपको कोई भी सिखा सकता है। ऐसा कोई टीचर नहीं है कि जो कि आपको वही सिखाएगा। चलते राह में भी कोई भी आदमी आपको बहुत अच्छा चीज़ सीख आपको दे सकता है। उस सीख को एब्जर्व करो आप। आज हमारे एक सर है, वो उन्होंने एक मैसेज भेजा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उस मैसेज का कॉलम क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ आपको। उस मैसेज का कॉलम है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न रखें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो बदलती जरूर है। और इस थॉट से आज मुझे इतना 5% भी नहीं, 10% भी नहीं, कम से कम मुझे 40% मेरा नेगेटिव माइंड थॉट पॉजिटिव वे में बदलना शुरू हो गया इस एक मैसेज की वजह से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर अपने डेली ब्लॉगिंग के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये खुद आप देख रहे हो। मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं रिजल्ट का भी उम्मीद आपसे ही रखूँगा, किसी और से नहीं रखूँगा। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, कल फिर मिलते हैं।